हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गुरु। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। इसमें दो लताफा के फ्रेग्रेंसेस हम रिव्यू करने जा रहे हैं, एक नहीं दो। दोनों ही फ्रेग्रेंसेस बड़े ही ज़बरदस्त हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और आप लोगों को लताफा के फ्रेग्रेंसेस काफ़ी पसंद आते हैं क्योंकि काफ़ी किफ़ायती भी होते हैं, यानी कि काफ़ी बजट के अंदर आ जाता है। तो काफ़ी लोगों को इसके फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लताफा के फ्रेग्रेंसेस हमने देखा है कि बड़े डिज़ाइनर कंपनी या लग्जरी कंपनीज़ के क्लोन्स होते हैं। तो क्या ये दो फ्रेग्रेंसेस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी किसी पॉपुलर परफ्यूम के क्लोन्स हैं या अपने आप में अनोखे परफ्यूम्स निकलेंगे, तो वो आज के रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। देखते रहिए चैनल को। तो दोस्तों, पहला जो परफ्यूम है उसका नाम है अल अरीक सिल्वर और ये मुझे लगता है यहाँ पर लताफा प्राइड आई थिंक इस कलेक्शन का नाम होगा। और तो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में 100 ml। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस जो हैं दोस्तों, दूसरा फ्रेग्रेंस है लताफा रईद। रईद के अलग अलग एडिशन्स हैं और ये अल अरीक सिल्वर है, इसके भी अलग अलग एडिशन आते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इन दोनों में चांदी है, सोना नहीं है। सो अल अरीक सिल्वर एंड रईद, ये भी दोस्तों ओ दे परफ्यूम है 100 ml। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है, आपको दिखा देता हूँ। बॉटल जो है कुछ इस तरीके से अंदर बैठी हुई थी और पॉपुलर नीश कंपनी है पेनहालिगन्स, और मुझे लगता है कि एक कार्टियर का लोमवॉल करके परफ्यूम आया था, वो भी मेरे पास है, उसी तरीके की बॉटल है। तो प्रेजेंटेशन सॉलिड है, बॉटल आप देख सकते हैं। ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत तामझाम इन्होंने दिया है। अल अरीक सिल्वर की बॉटल तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, हैव अ लुक, देखिए बहुत ज़बरदस्त काम। जो प्लास्टिक का बॉक्स है ये काफ़ी बेकार है क्योंकि इसके एजेस आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटे हुए से दिख रहे होंगे। इसको आप साइड कर दें। बॉटल देखिए, शानदार बॉटल प्रेजेंटेशन, और ये जो यहाँ पर बना हुआ है एक एम्बलम टाइप का, इंसिग्निया टाइप का, ये 3D है, बाहर आता है। ये काफ़ी अच्छा टच लगा मुझे, ऊपर से ग्रीन मैट का फिनिश है बॉटल के ऊपर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल है, तो थोड़ी सी कलेक्शन की शोभा बढ़ाता है। सो दैट्स द डील। और ये जो पिक्चर है दोस्तों, यूजुअली इस तरीके का मुबक्खर यानी कि ऐसा धूपदान इस्तेमाल करते हैं मिडल ईस्ट में, जिसके अंदर वो लोग अगरवुड जलाते हैं और महफिल में सबको पास करते हैं। सब लोग फिर उस धुएँ को लेते हैं और सबके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आती है। ये एक ट्रेंड है वहाँ पर जिसे मजलिस बोलते हैं, और ये परफ्यूम्स की दुनिया से ही मैंने सीखा। इस परफ्यूम की जो खासियत है, काफ़ी पावरफुल ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये, और एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस की मुझे याद दिलाता है। जो दूसरा फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी फ्रूटी फ्रेश, एक यंग मैंस फ्रेग्रेंस है, ये एक मच्योर मैंस फ्रेग्रेंस है, ये एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस की तरह है, ये एक नीश फ्रेग्रेंस की तरह है। तो चलिए सबसे पहले किसको रिव्यू करें, आई थिंक इसको रिव्यू करते हैं। चलिए, तो इसको मैंने ऑलरेडी स्प्रे कर रखा है दोस्तों। यस, तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस फ्रेग्रेंस को स्प्रे किया, मुझे एप्पल का नोट आया, मुझे थोड़े से मीठे नोट आए, वनीला का नोट आया, मुझे ग्रेप फ्रूट का नोट आया, सिट्रसेस का नोट आया, और पीछे जो एक है रसासी हवस इन्विक्टस एक्वा वाला जो DNA है वो इस फ्रेग्रेंस में मुझे मिला, और एक पेपर जैसी एक कड़क नोट वाला जो एक स्मेल होता है जिसे मैं कहता हूँ पेपर पचूली या वाइट पचूली या फ्रेंच पचूली, उसकी बैकग्राउंड में एक प्यारी सी खुशबू आ रही थी। सो दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सेंट लॉरेंट या YSL Y, और जैसे पाको रबान का एक्सेस करके आता था, एक्सेस नाइट आई थिंक पर्पल कलर के बॉटल में आता था, विच वॉज अ पाइनएप्पल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस, तो उस तरीके की खुशबू है। अगर सिद्धार्थ बॉस को भी कंसिडरेशन में लिया जाए तो बुरा नहीं होगा, मंसेरा का काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, उसके जैसी भी थोड़ी बहुत इसकी खुशबू मिलती है, बट इट इज़ नॉट द सेम थिंग। तो प्लीज़ अवेंटस वाला एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मत रखिएगा। इसमें है पाइनएप्पल, इसमें है एप्पल, बहुत प्यारा एप्पल का नोट है, रियली ब्यूटिफुल स्मेलिंग ओपनिंग, थोड़ा सा एकदम अल्कोहल का ब्लास्ट आया लेकिन वो नाक को ख़राब नहीं लगा। सरप्राइजिंगली इस प्राइस पॉइंट पर लताफा वालों ने थोड़ी सी मेहनत की है, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल को ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगेगा जो 20 years के एज ग्रुप में है, 20 to 30 या उसके नीचे, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग विच दे लव। यंग पीपल लव सच फ्रेग्रेंसेज, पार्टी फ्रेग्रेंस है, ऑफिस फ्रेंडली फ्रेग्रेंस है, डेट पर ले जाने वाला फ्रेग्रेंस है, एंड इट्स वेरी वेरी चीप। सो आई थिंक इन बजट दिस इज़ अ ग्रेट एप्पल वाला फ्रेग्रेंस, और ड्राई डाउन में थोड़ा सा एक हल्का सा बिल्कुल वनीला का, स्मोकी वनीला का नोट आता है, बेंजोइन टाइप का थोड़ा सा मस्क आता है, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट से वुड्स आते हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फैब्रिक पर डेफिनेटली आपको 6 से 8 घंटे निकल जाएंगे विथ अ सॉफ्ट प्रोजेक्शन आई वुड से। तो वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रूटी पार्टी फ्रेग्रेंस विच मोस्ट पीपल विल लव, पीपल विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स, इट्स अ पीपल्स प्लीजर, मास प्लीजर, जो टिपिकल अपना फ्रेंच DNA वाले फ्रूटी परफ्यूम्स होते हैं, फ्रूटी मस्की परफ्यूम्स,
उस तरीके का फ्रेग्रेंस है। इसका नाम है लताफा राइद, नाइस फ्रेग्रेंस। अब दूसरे फ्रेग्रेंस की हम बात करने जा रहे हैं, ये है मर्दों वाला फ्रेग्रेंस। पहला जो फ्रेग्रेंस था वो था ऋतिक रोशन, स्मूथ क्लीन शार्प एजेस वाला। ये है सनी देओल, ठीक है, ये है धमाकेदार फ्रेग्रेंस। बॉटल वगैरह तो काफ़ी शानदार थी, लेकिन एक जो मुझे ख़राब चीज़ लगी, ये देख रहे हैं, पुअरली फिटिंग कैप। मुझे लगता है इसके जो यहाँ वाला जो पार्ट है वो भी इसके अंदर कैप के अंदर रह गया, बिकॉज दिस इज़ हैवी मेटल, तो ये मुझे लगता है गम के साथ बाहर निकल गया। या बॉटल अगर ऐसी होगी तो मुझे पता नहीं, बट ठीक है, हु केयर्स। फ्रेग्रेंस काफ़ी स्ट्रांग है इसका, और जो बच्चे ऊद नहीं पसंद करते, जो बच्चे मस्क नहीं पसंद करते, जो बच्चे लेदर की खुशबू पसंद नहीं करते, जो बच्चे शार्प ग्रीन बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद करते, मॉसी शिपर फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद करते, इससे दूर रहें। ये है डार्क थीम वाला फ्रेग्रेंस, ये है एक मच्योर मैंस फ्रेग्रेंस, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बंदा जो है बस अपने बारे में सोचता है, ही इज़ हैप्पी विथ वॉट ही इज़ वेयरिंग, और उसने अगर ये लगा लिया और आपके बगल से गुजर गया तो एक चीज़ तो पक्की है कि आप उसकी खुशबू को भूलेंगे नहीं, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। भले आपको अच्छी लगे ना लगे, बट यू विल रिमेंबर दिस स्मेल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओपनिंग ही दोस्तों ग्रीन इंसेंसी डार्क मिस्टीरियस, उसके अंदर से थोड़ी सी शार्पनेस आ रही है, हर्बल टाइप की सोपीनेस है इस फ्रेग्रेंस में। इस तरीके का जो फ्रेग्रेंस डी एन है मिडल ईस्ट में काफ़ी कॉमन है। ये फ्रेग्रेंस आपको बखूर जैसा है, इसके ड्राई डाउन में सिंथेटिक उद का इस्तेमाल है, बिल्कुल भी मस्की नहीं है, लेकिन शार्प और वुडी है। तो ये था इस फ्रेग्रेंस का डिस्क्रिप्शन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंटेंस, थोड़ा बहुत पचूली भी मिल रहा है मुझे, और स्मोकी नोट्स हैं इसके अंदर, बिल्कुल स्मोकी फ्रेग्रेंस दोस्तों, बखूर लाइक ग्रीन लेदर। अगर मैं कहूँ ग्रीन लेदर इंसेंस, स्मोकी इंसेंस ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस, तो वो ये फ्रेग्रेंस होगी। अमवाज इंटरलूड की याद आती है इस फ्रेग्रेंस में, हालांकि कोई मिठास नहीं है। मुझे रसासी लाई कुआम याद आता है, मुझे टस्कन लेदर याद आता है, लेकिन उसमें जो स्वीट फ्रूटीनेस थी वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। जो मेरे पास फ्रेग्रेंस है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अंदर जो स्पाइसीनेस है एक्स्ट्रा, वो क्लाइव क्रिश्चियन एक्स, काफ़ी महंगा फ्रेग्रेंस है, उसके जैसा है। अगर बल्गरी मैन इन ब्लैक की बात करें या मैन इन ब्लैक ओरिएंट की बात करें, तो वो वाली स्मेल भी यहाँ पर है। मुझे लगता है इन दोनों फ्रेग्रेंस के काफ़ी क्लोज है ये फ्रेग्रेंस। और एक फ्रेग्रेंस मुझे याद आता है जो मुझे काफ़ी पसंद है, नबील की एक रेंज है स्पिरिट ऑफ दुबई, उसका एक फ्रेग्रेंस है मैदान, काफ़ी महंगा फ्रेग्रेंस है, उसकी भी मुझे इस फ्रेग्रेंस से याद आती है। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज़ ऑल ओवर दुबई। अगर रेट करना हो मुझे इन फ्रेग्रेंसेस को आउट ऑफ 10, बेस्ड ऑन द बजट, बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, हालांकि मैं प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट स्टिल प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि परफ्यूम का स्प्रेयर अच्छा होना चाहिए। इसका स्प्रेयर ठीक ठाक है, इसका काफ़ी अच्छा पावरफुल स्प्रेयर है, और प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी है, ये एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे लगता है ये 16 घंटे इजीली लास्ट करेगा। कपड़ों पर हल्का मारिएगा, स्प्रे बहुत मत मारिएगा, क्योंकि आपको ये चोक कर सकता है। डेफिनेटली अ विंटर सेंट, डेफिनेटली अ फॉर्मल सेंट, एंड दिस इज़ नॉट अ पीपल्स प्लीजर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग नीश फ्रेग्रेंस लवर्स हैं, जो लोग फ्रेग्रेंस हेड्स हैं, जो इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं, डीप डार्क मिस्टीरियस फ्रेग्रेंसेस को, वो डेफिनेटली नोटिस करेंगे। दिस इज़ प्योरली मैस्कुलिन, सनी देओल भाई साहब, क्लीन क्रिस्प ऋतिक रोशन, ये किसी भी वेदर में लगा सकते हैं। डेफिनेटली ये समर स्प्रिंग फ्रेग्रेंस, विंटर में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, जितनी धूप होगी उतना ये खिलेगा आपकी स्किन पर। सो दिस इज़ अ टिपिकल फ्रेंच डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस विथ अ ब्यूटिफुल पाइन एप्पल ओपनिंग, विथ अ ब्यूटिफुल एप्पल ओपनिंग, और बड़ा प्यारा सेंट है ये। तो ये दोनों अच्छे फ्रेग्रेंसेज लगे मुझे। हालांकि अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन पूछे कि आप इन दोनों में से कौन सा लगाना पसंद करेंगे, तो ऑनेस्टली दिस इज़ मच ईजियर टू वेयर, एंड आई विल हैव टू फाइंड एन ओकेजन टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस। आई लव मैदान, आई लव क्लाइव क्रिश्चियन एक्स, लेकिन मैं अपने क्लाइव क्रिश्चियन एक्स को भी साल में एक या दो ही बार लगाता हूँ। उसके लिए मूड चाहिए, इसका जो डार्क मूड है उसके लिए थोड़ा सा माहौल चाहिए, तो ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं वो बखर बना हुआ था, दिस इज़ डेफिनेटली एन इंसेंस रिच फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन, और बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था इन दोनों फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने के लिए। दोनों का जो बाइंग लिंक है, जो परचेज लिंक है, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में नहीं, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिटेल्स में, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपने इन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई कर रखा है, क्योंकि इनके रिव्यू सब पहले ही काफ़ी हैं इंटरनेट पर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है ये दोनों फ्रेग्रेंसेज लेने लायक हैं या नहीं। आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग कर दें तो दिस डेफिनेटली गेट्स 7.5, दिस फ्रेग्रेंस गेट्स अ 7।
नाइस फ्रेग्रेंसेस। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।